कुमकुम गुजरे इस ज़माने की एक ऐसी अदाकारा जिसने अपने डांस और अपनी एक्टिंग से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपना बहुत ही ऊंचा मुकाम बनाया, लेकिन अफसोस इन्हें कभी भी ए क्लास एक्ट्रेसेस में शुमार नहीं किया गया। कुमकुम जिन्होंने अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ काम किया, लीड एक्ट्रेस बनी और साइड कैरेक्टर्स भी निभाए, फिर भी कभी इनके नाम की ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। किस्सा टीवी आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आया है महान अभिनेत्री कुमकुम की जिंदगी की कहानी। बिहार के हुसैनाबाद की रहने वाली कुमकुम कैसे बंबई पहुंचकर फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बनी और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद कुमकुम ने क्या किया, ये सारी कहानी आज इस वीडियो के जरिए हम और आप जानेंगे। 22 अप्रैल 1934 को कुमकुम का जन्म बिहार के हुसैनाबाद में हुआ था। इनके माता पिता ने इनका नाम ज़ैबुन्निसा रखा था। इनके पिता सैयद मंजूर हसन हुसैनाबाद के एक बड़े ज़मींदार थे और उन्हें नवाब की पदवी प्राप्त थी। इलाके में उनका बड़ा रुतबा था, बेतहाशा प्रॉपर्टी उनके पास थी, लेकिन देश को आज़ादी मिलने के बाद सरकार ने ज़मींदारी ख़त्म की तो उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली गई। प्रॉपर्टी गई तो सैयद मंजूर हसन अपनी पत्नी खुर्शीद बानो और अपने बच्चों को लेकर कलकत्ता चले आए। वो कलकत्ता आ तो गए, लेकिन यहाँ उनका ज़रा भी दिल नहीं लग रहा था। हालांकि यहाँ उन्होंने अपने पहले परिवार को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी और फिर एक दिन अपनी दूसरी पत्नी को साथ लेकर वो हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए। कुमकुम की माँ खुर्शीद बानो अपने बच्चों को लेकर किसी तरह बनारस आ गई और यहीं पर अपने एक रिश्तेदार के पास रहने लगी और इस तरह बनारस में कुमकुम के फिल्म इंडस्ट्री में जाने की पटकथा तैयार होने लगी। दरअसल कुमकुम को छोटी सी उम्र से ही नाचने का बड़ा शौक था, फिल्में देखने में भी उन्हें बड़ा मज़ा आता था। बनारस में उनकी माँ खुर्शीद बेगम की जान पहचान पंडित शंभू महाराज से हो गई थी, जो कि उस जमाने में शास्त्रीय नृत्य के एक बहुत बड़े टीचर हुआ करते थे। खुर्शीद बानो ने कुमकुम को शंभू महाराज के पास नृत्य सीखने भेजना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि एक दिन कुमकुम फिल्मों में काम किया करेंगी। शंभू महाराज की एक बेटी थी जिनका नाम था निर्मला देवी। निर्मला देवी और कुमकुम की उम्र लगभग बराबर ही थी, इसलिए शंभू महाराज कुमकुम को भी अपनी बेटी ही मानते थे। और चूंकि निर्मला देवी अभिनेता गोविंदा की माँ थी तो इस नाते से कुमकुम गोविंदा की मौसी लगती थी। शास्त्रीय नृत्य की अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कुमकुम मुंबई आ गई और कुमकुम को फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक दिया महान सोहराब मोदी साहब ने। फिल्म थी मिर्ज़ा गालिब, जो कि साल 1954 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म में वो एक छोटे से किरदार में नजर आई थी। किसी ने उस फिल्म में कुमकुम को नोटिस तक नहीं किया, लेकिन इसी साल रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म आर पार ने कुमकुम को सारे देश में लोकप्रिय कर दिया। इस फिल्म में कभी आर कभी पार गीत कुमकुम पर ही पिक्चराइज किया गया था और ये गीत हर किसी को बेहद पसंद आया था। कुमकुम को ये फिल्म मिलने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल गुरुदत्त साहब पहले ये गीत अभिनेता जगदीप पर फिल्माना चाहते थे, लेकिन बाद में उनका मूड बदला और उन्होंने फैसला किया कि अब ये गीत किसी फीमेल एक्टर पर फिल्माया जाएगा। गुरुदत्त साहब ने उस जमाने की कई अभिनेत्रियों से इस गीत में काम करने के लिए कहा, लेकिन चूंकि ये रोल बहुत छोटा था तो कोई भी अभिनेत्री इसे नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन गुरुदत्त की मुलाकात कुमकुम से हुई और उन्होंने कुमकुम को इस रोल को निभाने की पेशकश की। कुमकुम ने गुरुदत्त की ये पेशकश स्वीकार कर ली और इस तरह कुमकुम के करियर में ये गीत मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद तो कुमकुम ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, कई स्टार्स के साथ इनकी जोड़ी जमी। धर्मेंद्र के साथ इन्होंने रोमांस किया और जॉनी वॉकर के साथ इन्होंने कॉमेडी की। CID फिल्म का गीत ये है बॉम्बे मेरी जान में। जॉनी वॉकर के साथ जो महिला दिखाई दी थी वो कुमकुम ही थी।
कुमकुम एक निपुण कथक डांसर थी। उनकी कला के जौहर अक्सर उनकी फिल्मों में उन पर फिल्माए जाने वाले गानों में नजर आ ही जाते थे। महान किशोर कुमार साहब के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी थी और इन्होंने किशोर साहब के साथ कई फिल्मों में काम किया था। किशोर दा की फिल्म मिस्टर एक्स का गीत मेरे महबूब कयामत होगी भला कौन भुला सकता है, वो गीत कुमकुम पर ही फिल्माया गया था। किशोर दा के साथ तो इनके और भी कई गाने सुपरहिट रहे थे। उस जमाने में मीडिया के एक हिस्से ने तो ये कहना भी शुरू कर दिया था कि कुमकुम और किशोर दा के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। वैसे ऐसी ही कुछ बातें कुमकुम और रामानंद सागर को लेकर भी उड़ी थी। महबूब खान की मदर इंडिया में कुमकुम ने बड़ा ही खूबसूरत रोल निभाया था। कुमकुम की एक्टिंग से महबूब साहब इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने कुमकुम को अपनी फिल्म सन ऑफ इंडिया में भी एक बड़े ही अहम रोल में लिया। केवल हिंदी ही नहीं, कुमकुम ने कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया था। गंगा मैया तो है प्यार चढ़ाए वो इनकी सबसे बड़ी भोजपुरी फिल्म थी और यही फिल्म ही भोजपुरी भाषा की सबसे पहली फिल्म भी थी। साल 2006 में इन्होंने ही पहली भोजपुरी सिने मैगजीन का उद्घाटन किया था। उस वक्त ये काफ़ी चर्चाओं में भी आ गई थी। कुमकुम ने अपने फिल्मी करियर में 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये मिस्टर एंड मिसेज 55, कुंदन, फंटुश, नया अंदाज, मेम साहिब, नया दौर, प्यासा, बारिश, घर संसार, उजाला, कोहिनूर, राजा और रंक, आँखें, गीत, आन बान, ललकार और एक कुंवारा एक कुंवारी जैसी बड़ी फिल्मों में दिखी। इनकी आखिरी फिल्म थी जलते बदन, जो कि साल 1973 में रिलीज हुई थी और जिसमें इनके हीरो थे किरण कुमार। कुमकुम की निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने सन 1975 में लखनऊ के रहने वाले बिजनेसमैन सज्जाद अकबर खान से शादी कर ली थी। सज्जाद अकबर खान का बिजनेस सऊदी अरब में था तो शादी के कुछ ही महीनों बाद ये उनके साथ सऊदी अरब चली गई और वहीं पर रहने लगी। सज्जाद अकबर खान और कुमकुम की एक बेटी है जिनका नाम है अंदलीब अकबर खान। अभिनेत्री अबीर अबरार इनकी भतीजी हैं और इनके छोटे भाई जाहिद अबरार की बेटी हैं। जाहिद अबरार दुनिया भर में मशहूर फ्रेडी मर्क्यूरी के साथ स्कूल में पढ़ चुके हैं। साल 2006 में फ्रेडी मर्क्यूरी के जीवन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में भी कुमकुम के भाई जाहिद अबरार नजर आ चुके हैं। कुमकुम का भतीजा यानी जाहिद अबरार का बेटा हादी अली अबरार एक डायरेक्टर है और उसने फिल्म जगत की एक और बड़ी अभिनेत्री डेजी ईरानी की बेटी वर्षा से शादी की है। सऊदी में लगभग 20 साल गुजारने के बाद 1995 में कुमकुम भारत वापस लौट आई थी और यहीं पर अपनी बेटी और पति के साथ रहती थी। 28 जुलाई 2020 को 84 साल की उम्र में कुमकुम की मौत हो गई। कुमकुम की मौत से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ उठी और न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि उनके लाखों फैंस भी उनकी मौत की खबर से स्तब्ध और दुखी हुए थे। कुमकुम के जाने के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम अध्याय भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। किस्सा टीवी कुमकुम को नमन करता है और फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद।